दोस्तों, इंटरनेट से पैसा कमाने के सबसे सुरक्षित भरोसेमंद साधनों में से गूगल के दो प्लेटफॉर्म हैं, पहला यूट्यूब और दूसरा ब्लॉगर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्लॉगर की, कि क्या ब्लॉगर से आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि आप अपने घर का खर्चा चला पाएं, क्या ब्लॉगर से आपको 25 से 30 हज़ार रुपये महीने मिल सकते हैं, और ब्लॉगिंग शुरू कैसे करते हैं, कैसे ब्लॉगर पे एक फ्री ब्लॉग बनाया जाता है, ब्लॉग होता क्या है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गेट स्मार्ट क्लास में। उस चैनल पर मैं आपके लेकर आता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। तो अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए गए हैं, वहां से जाके आप देख सकते हैं। गूगल पर सर्च करते करते एक दिन मैंने वहां पर एक टॉपिक सर्च किया, घर बैठे इंटरनेट से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। और यहां पर मुझे दो बहुत पॉपुलर चीज़ें मिली, एक ब्लॉगर और दूसरा यूट्यूब। ये दोनों मोस्ट पॉपुलर तरीके थे उस टाइम पे भी इंटरनेट से पैसा कमाने के। आप ब्लॉगर और यूट्यूब के साथ में गूगल की एक सर्विस एडसेंस को जोड़कर पैसा कमा सकते थे। तो हमने जनवरी 2013 में अपना एक ब्लॉग रजिस्टर किया ब्लॉगर पर, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री था, इसमें एक भी रुपया आपको देना नहीं था, ना डोमेन परचेज करना था, ना होस्टिंग परचेज करनी थी। और हमने उसको नाम रख दिया hathrascomputers.blogspot.in। अब ये बहुत लंबा नाम था, तब मुझे पता भी नहीं था कि ब्लॉग का नाम कैसे रखते हैं, आर्टिकल कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी, मैं बिल्कुल नया था ब्लॉगर के लिए। धीरे धीरे मैं इंटरनेट पर रिसर्च करके अपने ब्लॉग के लिए जून 2013 में डोमेन खरीदा और नाम रखा माई बिग गाइड। मैं इस पर सभी तरीके की जितनी भी टेक्निकल चीज़ें होंगी, जितनी तकनीकी जानकारियाँ होंगी, उसकी सारी जानकारियाँ मैं हिंदी पर इस पर दूंगा। और शुरुआत में जब मैंने ब्लॉग बनाया था तो उस पर कुछ ट्रैफिक भी आना शुरू हो गया था। इसके बाद मैंने ब्लॉगिंग पर रिसर्च करना शुरू कर दिया, मैंने ब्लॉगिंग की बारीकियाँ सीखी, कैसे कंटेंट राइटिंग करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, लिंक बिल्डिंग कैसे करते हैं। और इसी समय मुझे यूट्यूब के बारे में भी अच्छे से पता चला, हालांकि यूट्यूब 2005 में ही लॉन्च हो गया था, लेकिन स्लो इंटरनेट होने की वजह से उस पर काम करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। आज मेरा ब्लॉग mybigguide.com हिंदी टेक्निकल कैटेगरी में इंडिया के नामी ब्लॉग्स में गिना जाता है, जिसपे 1600 से ज़्यादा आर्टिकल अब तक मैं लिख चुका हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे, अभी तक 10 करोड़ से ज़्यादा पेज व्यूज़ इस ब्लॉग को मिल चुके हैं। और ब्लॉगिंग से हर महीने मेरे पास इतने पैसे आ जाते हैं कि मेरे घर का जो खर्चा है वो चल जाता है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग पर धीरे धीरे जब आप काम करते रहते हैं तो एक टाइम बाद जाके ऐसा हो जाता है कि अगर आप एक महीने काम भी ना करें या दो महीने काम भी ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आप ब्लॉगिंग को अच्छे तरीके से समझ जाएं। हो सकता है एक सीरीज आगे और भी ज़रूरत पड़े या दो की ज़रूरत और भी पड़े, तो वो भी मैं आपको बना के बताऊँगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्लॉगिंग होता क्या है। दोस्तों, इंटरनेट पर जब आप सर्फ करते हो तो आप अपनी समस्या से संबंधित कोई भी कीवर्ड गूगल सर्च में टाइप कर देते हो, जैसे कंप्यूटर क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होती है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको जानकारी लेनी हो। अब वो जो शब्द आप टाइप करते हो, वो जो सर्च आप करते हो, उसे हम बोलते हैं ब्लॉगिंग की भाषा में कीवर्ड। अब गूगल क्या करता है कि उस कीवर्ड को अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके ढूंढता है, और ये सारा जो काम होता है वो एक सेकंड से भी कम में हो जाता है। गूगल उस कीवर्ड को ढूंढता है, अगर किसी वेबसाइट पर उसको मिलता है तो वो जो पेज है वो आपको अपने सर्च रिजल्ट में दिखा देता है, आप उस पर क्लिक करते हैं और वेबसाइट आपके सामने खुल जाती है। ये काम करता कौन है, वेबसाइट पर वो इन्फॉर्मेशन डालता कौन है, वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर डालते हैं ब्लॉगर। जी हाँ, ब्लॉगर उनको बोला जाता है जो ब्लॉग को लिखते हैं। अब आप पूछेंगे इसके लिए कोई विशेष योग्यता की ज़रूरत होती है। जी हाँ, आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, आपको टाइपिंग आनी चाहिए, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम इन्हीं चीज़ों का होता है। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है तो आपको पता होना चाहिए कि वॉइस टाइपिंग कैसे की जाती है। आजकल तो ये वॉइस टाइपिंग का भी ज़माना है। आप हिंदी और इंग्लिश में वॉइस टाइपिंग करना अगर जानते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, कौन कौन से उसके पॉइंट्स होते हैं। आर्टिकल लिखना शुरुआत में बड़ा कठिन लगता है, मैंने भी जब पहली बार एक आर्टिकल लिखा था तो मुश्किल से 4-5 लाइनें ही लिख पाया था, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास जब आप करते जाएंगे इस चीज़ का, तो आप उसके बाद एक बड़ा अच्छा सा एक आर्टिकल लिख पाएंगे। अब ये अच्छा और बड़ा आर्टिकल का मतलब क्या होता है, ब्लॉगिंग के क्षेत्र में अगर आप अपने आप को रख के बात करें और आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं,
कुछ जानकारी लेने के लिए, और वहाँ पर वो जानकारी आपको बहुत अच्छे तरीके से अगर मिल जाती है, शुरू से लेके आखिर तक आपको सारी चीज़ें अगर समझ में आ जाती हैं, तो आप उस वेबसाइट पर दोबारा जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा उस जानकारी को पढ़कर। और वहीं पे अगर दूसरी वेबसाइट आपको वही चीज़ अच्छे से नहीं समझा पाती, उसने 4-5 लाइन में अपनी बात ख़त्म कर दी, तो आप वहाँ पर दोबारा नहीं जाएंगे। जहाँ पर अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, लोग ज़्यादा देर तक जिस साइट पर रहते हैं उनको गूगल अपने आप सर्च में ऊपर रखता है, और जिन वेबसाइट्स पर इन्फॉर्मेशन ठीक तरीके से नहीं दी गई होती है उनको गूगल अपने सर्च में नीचे रखता है। अब मैं बार बार गूगल की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि YouTube में और ब्लॉगिंग में थोड़ा सा अंतर है। जब आप YouTube पे काम करते हैं तो YouTube खुद से आपके वीडियोस को प्रमोट करता है, जबकि ब्लॉगिंग में आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट होता है, जो आर्टिकल होता है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि गूगल आपके ब्लॉग को सर्च में रखेगा या नहीं। अब गूगल ने आपका ब्लॉग सर्च में रख लिया, आपके ब्लॉग पर गूगल से ट्रैफिक यानी लोग पढ़ने के लिए आने लग गए, उसके कुछ समय बाद में गूगल का एक प्लेटफॉर्म और है, गूगल एडसेंस। एडसेंस के लिए आप जब अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ पर विज्ञापन मिलने शुरू हो जाते हैं, तो जब विज्ञापन दिखते हैं तो उसके हिसाब से आपकी अर्निंग होती है। अब अर्निंग कैसे होती है ये समझते हैं, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि विज्ञापन काम कैसे करते हैं। दोस्तों, गूगल के जो विज्ञापन हैं वो ना ब्लॉगर के कंट्रोल में होते हैं ना गूगल के कंट्रोल में होते हैं, वो विज्ञापन कंट्रोल करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एडसेंस के पास में होता है। अब वो एडसेंस विज्ञापन दिखाता कैसे है, आप जो कुछ भी सर्च करते हैं कंप्यूटर में उससे कुकी जनरेट होती है, छोटी सी फाइल जनरेट होती है जो आपके ब्राउजर में स्टोर हो जाती है। मान लीजिए आपने सैमसंग के किसी फ़ोन के बारे में कभी कुछ सर्च किया होगा, तो वो जो कुकी है वो आपके ब्राउजर में स्टोर हो जाती है, और जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं और वहाँ पर गूगल के एड्स लगे हुए हैं, तो वो पहले गूगल के ऐड क्या करते हैं, आपकी कुकी को रीड करते हैं, और वहाँ पता चलता है कि आपने सैमसंग के फ़ोन के बारे में सर्च किया था, तो आपको सैमसंग का फ़ोन ही वहाँ पर उस विज्ञापन में दिखाई देगा। अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं तो आपको फ्लिपकार्ट का विज्ञापन दिखाई देगा, अगर आप अमेज़ोन से कुछ सर्च कर रहे हैं तो अमेज़ोन का विज्ञापन दिखाई देगा। देखिए, ब्लॉग बन गया, ब्लॉग के बाद में वहाँ पर आपको विज्ञापन डिस्प्ले होने लगे। अब विज्ञापन पर होने वाली क्लिक के ऊपर आपका रेवेन्यू डिपेंड करता है। ये जो क्लिक होती है इसको विज्ञापनदाता सेट करते हैं, यानी एडवर्टाइजर सेट करते हैं, कि जहाँ पर एक क्लिक के वो गूगल को कितने पैसे देंगे। इसमें से गूगल कुछ भाग अपने पास रखता है और कुछ भाग ब्लॉगर को दे देता है। इस तरीके से ये जो इकोसिस्टम है ये काम करता है, यानी आप यूज़र को फ्री में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, गूगल आपको आपके वेबसाइट पर आने वाले ट्रैफिक के ऊपर विज्ञापन दे रहा है। विज्ञापनदाता को कहाँ पर लाभ हो रहा है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो पब्लिक के सामने जा रहा है। तो यहाँ पे चारों का फायदा है, एडवर्टाइजर का भी फायदा है, जिसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसका भी फायदा है, आपका भी फायदा है और गूगल का भी फायदा है। अब ब्लॉगर को बनाते कैसे, किन चीज़ों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि आपको हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए, आपको इंटरनेट का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, यानी SEO क्या होता है, उसकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिनको मैं अगले वीडियो में आपको पूरे अच्छे विस्तृत तरीके से बताऊंगा, आप वहाँ पे जाके देखेगा। इस वीडियो में तो हम जानेंगे कि हम ब्लॉगर पर एक ब्लॉग कैसे बनाते हैं, तो आपको SEO के बारे में पता होना चाहिए, आपको फोटोशॉप का थोड़ा सा जानकारी ज़रूर होना चाहिए जिससे आप अपने ब्लॉग के लिए थोड़े बहुत कुछ इमेज बना सकें, आपको पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया पर अपने जो ब्लॉग पोस्ट हैं कोई चीज़ शेयर कैसे कराते हैं, लिंक को शेयर कैसे कराते हैं, लिंक बनाते कैसे हैं। अब ब्लॉगिंग के लिए विषय कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला टेक्नोलॉजी, दूसरा आप प्रोडक्ट का रिव्यू कर सकते हैं, तीसरा आप रेसिपी के ब्लॉग बना सकते हैं, आप न्यूज़ आर्टिकल के ब्लॉग्स बना सकते हैं, आप बच्चों के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए नोट्स प्रोवाइड करा सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ्स, आप इवेंट ब्लॉगिंग कर सकते हैं, यानी आप विशेषकर अपने यहाँ के त्यौहार हैं उनके बारे में जानकारी दे सकते हैं, आप मोबाइल के टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकते हैं, इसके अलावा आप अगर बागवानी का शौक़ रखते हैं तो उससे रिलेटेड आप ब्लॉग बना सकते हैं, अगर आपको ऑटोमोबाइल से संबंधित ज़्यादा अच्छी जानकारी रहती हो तो आप उसका ब्लॉग बना सकते हैं, आपको वीडियोग्राफी फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास में है तो आप उसका ब्लॉग बना सकते हैं, आपके पास में कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके ऊपर पूरी तरीके से फोकस करके आप एक ब्लॉग बना सकते हैं और उससे बहुत अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं, अगले वीडियो में हम जानेंगे ब्लॉग पोस्ट में आपको कौन कौन सी विशेष चीज़ों का ध्यान देना है, SEO क्या होता है ये जानेंगे हम सब अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में सबसे पहले सीखते हैं कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं। नया ब्लॉग बनाना बहुत आसान है, ब्लॉग बनाने के लिए गूगल पर जाइए और टाइप कीजिए ब्लॉगर और एंटर कर दीजिए। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर blogger.com का एक लिंक दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए।
दोस्तों असल में ब्लॉगर एक फ्री सर्विस है जिस पर आप जाकर ब्लॉग बना सकते हैं और गूगल एडसेंस के थ्रू पैसा भी कमा सकते हैं। यहाँ पर आपको क्रिएट योर ब्लॉग का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ आपको ज़रूरत होगी आपकी जीमेल आईडी की। अगर आपके पास पहले से जीमेल आईडी है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो आप नई बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको डालना होगा अपना पासवर्ड, पासवर्ड एंटर कर दीजिए और नेक्स्ट कीजिए। अगर आपने अभी तक कोई ब्लॉग नहीं बनाया है और आप बिल्कुल नए हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्रिएट अ न्यू ब्लॉग का ऑप्शन दिखाई देगा, बस इस पर क्लिक कर दीजिए और आपके सामने कुछ इस तरीके का विंडो आ जाएगा जहाँ पर आपको टाइटल और एड्रेस डालने का ऑप्शन दिखाई देगा। किसी भी ब्लॉग का टाइटल उस ब्लॉग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये प्रदर्शित करता है कि आपको ब्लॉग में किस तरीके का कंटेंट मिलेगा। तो टाइटल को बड़ा सोच समझ के रखिए, आप अच्छे से विषय का चुनाव कर लीजिए और उसके बाद में सोच समझ के एक या दो शब्द का कोई टाइटल यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम MS Excel से संबंधित कोई ब्लॉग बना रहे हैं तो उसी से रिलेटेड हम इसका टाइटल रखेंगे। तो हम यहाँ पर टाइटल लिख देते हैं टोटल एक्सेल। देखिए हमने ऊपर टाइटल तो रख दिया, अब इसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है हमारे पास एड्रेस का। अब एड्रेस क्या होता है? एड्रेस किसी ब्लॉग का URL होता है। जैसे आपको यहाँ पर ब्लॉगर का ये URL दिखाई दे रहा है www.blogger.com, इसी तरीके से यहाँ पर जो एड्रेस आता है वो .com करके नहीं आएगा, क्योंकि आप ब्लॉगर पर एक फ्री ब्लॉग बना रहे हैं तो वहाँ का जो URL आएगा आपके टाइटल के नाम के साथ में .blogspot.com भी आपको वहाँ पर दिखाई देगा। तो हम पहले एड्रेस में ये टोटल एक्सेल ही टाइप करके देख लेते हैं। आप देखिए जैसे मैं टाइप करता जा रहा हूँ तो नीचे आपको .blogspot.com साथ में डिस्प्ले होता जा रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर परमानेंट रहेगा जब तक कि इसके साथ आप कोई भी कस्टम डोमेन नहीं जोड़ देते हैं। ये डोमेन बिल्कुल फ्री है, यहाँ इसको आपको कोई चार्ज नहीं देना है, लेकिन अगर आप कस्टम डोमेन जोड़ेंगे तो उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। देखिए हमने कुछ इस तरीके से इसका नाम रख दिया टोटल एक्सेल। और अगर ये नाम किसी ने पहले से नहीं लिया होगा तो यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाएगा, और ये नाम किसी ने पहले से ले रखा होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस कैन नॉट अवेलेबल। तो हो सकता है ये ब्लॉग किसी ने पहले बना रखा हो, तो यहाँ पर हम 2018 जोड़ देते हैं साथ में। आप देखिए ये नाम अवेलेबल है, दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल, यानी आपके ब्लॉग का URL जो एड्रेस है वो हो गया और आपके ब्लॉग का टाइटल ये हो गया। दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो सर्च है वो आपको इस नाम से भी यहाँ पर मिल जाएगी धीरे धीरे जब आप कंटिन्यू पोस्ट करना शुरू कर देंगे। अब तीसरी चीज़ आती है यहाँ पर थीम की। आपके ब्लॉग जब कोई व्यक्ति खोलता है तो उसको एक अलग तरीके का डिज़ाइन वहाँ पर दिखाई देता है। ये जो डिज़ाइन है इसे इंटरनेट की भाषा में थीम या टेम्पलेट कहा जाता है, और इनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। आपकी पोस्ट कैसे दिखाई देंगी, आपके ब्लॉग का लुक कैसा दिखाई देगा जब लोग उसे खोल के देखेंगे। तो यहाँ पर ब्लॉगर द्वारा कुछ फ्री टेम्पलेट्स दी गई हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इंटरनेट पर कई सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पर आपको पेड टेम्पलेट भी मिल जाएंगी। पेड टेम्पलेट के कई सारे फ़ायदे भी हैं, तो यहाँ से अगर आप चाहते हैं पहले ही कोई टेम्पलेट सेलेक्ट करना तो आप कोई भी ले लीजिए। तो हम यहाँ से सबसे सिंपल जो टेम्पलेट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और क्रिएट अ ब्लॉग के बटन पर क्लिक करते हैं। कुछ ही सेकेंड्स में आपका जो ब्लॉग है वो तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए जैसे ही आपका ब्लॉग बन जाएगा और अगली बार जब ब्लॉगर पे आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे जैसे पोस्ट का, स्टेटस का, कमेंट्स का, अर्निंग का, कैंपेनिंग का, पेज लेआउट, थीम और सेटिंग्स। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं अलग अलग हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो पोस्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर आप डेली का जो भी कंटेंट तैयार करेंगे या जो भी पोस्ट लिखेंगे वो आप यहाँ से लिख पाएंगे। नई पोस्ट लिखने के लिए या नया आर्टिकल लिखने के लिए आपको जाना पड़ेगा न्यू पोस्ट पर। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देगा। यहाँ पर ऊपर पोस्ट टाइटल डालना है, तो आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदी के लिए आप गूगल हिंदी इनपुट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इंग्लिश के लिए यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आपके पास हिंदी इनपुट नहीं है फिर भी यहाँ पे हिंदी टाइप करने के लिए ये एक बटन दिया गया है। जैसे ही आप इसे टाइप करेंगे तो आप यहाँ पर ट्रांसलेट वाली हिंदी को लिख पाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो हिंदी टाइपिंग है जो ब्लॉगर द्वारा दी गई है वो पोस्ट के इस वाले पेज पर ही काम करेगी, ना कि आपके टाइटल में। तो जो टाइटल है वो हिंदी में अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं उसे, जैसे आइए एक्सेल सीखें, कुछ इस तरीके से। अब इसको कॉपी कर लीजिए और ऊपर पेस्ट कर दीजिए कुछ इस तरीके से। अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं तो आप इसे इंग्लिश में भी तैयार कर सकते हैं। दूसरी चीज़,
ये जो पेज है आपका, यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हैं, ये हमारा टाइटल हो गया, जैसे किताब में होता है सबसे ऊपर टाइटल होता है, और नीचे आपका जो भी आर्टिकल हो आप उसे यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, एक्सेल की विशेषता बता सकते हैं, आप उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं, जो भी आपका टॉपिक हो आप उसे यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। टॉपिक को टाइप करने के लिए यहाँ पर अलग अलग तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं फॉर्मेटिंग के लिए, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन है, आप अगर फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर लिंक दिया गया है, लिंक वो है आप किसी पेज को दूसरे पेज से जोड़ना चाहते हैं तो आप इसे जोड़ सकते हैं, ये हाइपरलिंक की तरह काम करता है, बस आप शब्द को सेलेक्ट कीजिए, लिंक पर जाइए और जो भी आपको वेब एड्रेस इससे जोड़ना हो उसको यहाँ पर टाइप कर दीजिए या पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद ये जो ऑप्शन है इसे आप अपने पोस्ट पर इमेज इंसर्ट करा सकते हैं, तो आप जहाँ से भी चाहें इस ब्लॉग पर इमेज इंसर्ट करा सकते हैं। अगला ऑप्शन है वीडियो का, तो अगर आप यूट्यूब से वीडियो लेना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए, जैसे हम कर देते हैं माई बिग गाइड, और यहाँ से सर्च करा लेते हैं, माई बिग गाइड से जुड़े हुए सारे वीडियोस यहाँ पर आ जाएंगे। अब जिस भी वीडियो को आप चाहते हैं बस सेलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए, तो आप देखेंगे आपके ब्लॉगर पर माई बिग गाइड का ये जो वीडियो है ये आ गया है। इसके बाद आप एंटर कीजिए और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन और भी मिल जाएंगे। तो ये जो ऑप्शन है ये लेबल का है, अगर आप एक विषय से ज़्यादा विषयों के बारे में लिखते हैं तो वो जो लेबल है वो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। अगर आप एक्सेल के अलावा यहाँ और भी कई विषयों के बारे में जानकारी देते हैं, यहाँ एक्सेल आप डाल सकते हैं, और भी अगर कोई दूसरा विषय है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है शेड्यूल का, अगर आप चाहते हैं इस पोस्ट को किसी और समय में पब्लिश करना तो आप यहाँ से सेट डेट एंड टाइम कर सकते हैं। आप चाहते हैं ये पोस्ट आज 16 तारीख के बजाय 23 तारीख को पब्लिश हो तो आप यहाँ से 23 तारीख सेलेक्ट करके इसे डन कर सकते हैं। और इसके बाद ऑप्शन है प्रेमालिंक का, ये कस्टम यूआरएल के ऑप्शन आता है, अगर आप हिंदी में टाइटल यहाँ पर डालेंगे तो आपका जो पोस्ट का टाइटल है वो कुछ इस तरीके से आएगा, लेकिन यहाँ पर आप उसे इंग्लिश में भी कर सकते हैं, जैसे कुछ इस तरीके से लर्न एक्सेल। तो ये एक उदाहरण के लिए मैंने आपको यहाँ पर डाल के दिखाया है, इसे आप यहाँ से डन कर दीजिए। अब होगा क्या कि यहाँ पर ये जो आपने टाइप किया है उसका यूआरएल कुछ इस तरीके का आपके वेबसाइट पर डिस्प्ले होगा, इसके बहुत सारे फायदे हैं। अब बस आपको यहाँ से करना है पब्लिश, पब्लिश करते ही ये जो आर्टिकल है ये आपके ब्लॉग पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि हमारा ब्लॉग इस आर्टिकल के साथ में कैसा दिखाई देता है। यहाँ पर आपको व्यू ब्लॉग का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिए और आप देखेंगे जो हमने टाइटल रखा था टोटल एक्सेल 2018.blogspot.in वो इंटरनेट पर पब्लिश हो चुका है। यहाँ पर हमारे ब्लॉग का जो टाइटल हमने रखा था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है, और जो पोस्ट हमने अभी बनाई थी वो यहाँ पर आ गई है। कुछ इस तरीके से आपका ब्लॉग बनके तैयार हो गया है। अगर आप अपने ब्लॉग का डिज़ाइन अभी की अभी बदलना चाहते हैं तो बस आपको जाना होगा थीम के ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको नीचे कई सारे टेम्पलेट्स दिखाई देंगे, आप कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरीके से। आप देखिए इसको लगाने के बाद आपके ब्लॉग कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, उसी यहाँ से आप अप्लाई कर दीजिए। आप देखेंगे अप्लाई करने से पहले भी कराएगा, आप अपनी पुरानी टेम्पलेट का बैकअप ले लीजिए, अगर आपको लेना है तो ठीक है, नहीं लेना है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं और आपकी जो नई टेम्पलेट है वो आपके ब्लॉग पर अप्लाई हो जाएगी। आप देख सकते हैं दोबारा से हम इस ब्लॉग को देख लेते हैं, अब इसका कुछ अलग ही लुक आ गया है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है स्टेटस, आपके ब्लॉग पर प्रतिदिन आने वाले विजिटर्स की संख्या को यहाँ पर डिस्प्ले करता है, कौन कौन से उसके ट्रैफिक सोर्स हैं वो यहाँ पर दिखाता है। अगर आपके ब्लॉग पर कुछ कमेंट्स होते हैं तो उनको यहाँ पर डिस्प्ले करेगा कमेंट्स के ऑप्शन में। जो आपके एडसेंस अकाउंट से होने वाली अर्निंग है उसे आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल में अभी हमने इसे गूगल एडसेंस से नहीं जोड़ा है, लेकिन अगर आप भविष्य में इसे जोड़ेंगे तो उसकी अर्निंग को आप यहां से मैनेज कर पाएंगे। कैंपेनिंग्स में अगर आप गूगल एडवर्ड के थ्रू अपने ब्लॉग का विज्ञापन करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। ब्लॉग में आप कुछ पेज अलग से जोड़ना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर दिया गया है लेआउट का ऑप्शन, तो लेआउट के ऑप्शन में अगर आप अपने ब्लॉग पर कोई नया विजेट जोड़ना चाहते हैं, जैसे कोई टूल है या ट्रांसलेशन का टूल है, तो बस आपको यहाँ पर ऐड अ गैजेट्स में जाना होगा, और यहाँ पर आपको कई तरीके के गैजेट्स मिल जाएंगे, जैसे फॉलोअर्स का गैजेट्स है, इमेज का गैजेट है, लिंक लिस्ट है, टेक्स्ट है, और जैसे कि ब्लॉग सर्च है, तो वो आप यहाँ पर जोड़ के देख सकते हैं। गूगल एडसेंस का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपके पास गूगल एडसेंस का अकाउंट होगा। अब यहाँ पर हम ब्लॉग सर्च जोड़ के देख लेते हैं, बड़ा सिंपल है, आपको प्लस के निशान पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर विजिबल लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर टाइटल दिया गया है, आप चाहें तो इसको हिंदी या इंग्लिश में बदल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यही टाइटल रखना है तो बस इसे रहने दीजिए और यहाँ से सेव कर दीजिए। तो आप देखेंगे ये जो गैजेट है ये आपके ब्लॉग में ऐड हो चुका है। अभी तक हमारे ब्लॉग में सर्च का ऑप्शन नहीं था, लेकिन अगर अब हम इस ब्लॉग को ओपन करके देखेंगे और मेन्यू पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे सर्च दिस ब्लॉग का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं और इंटरनेट की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। या फिर आप गूगल पर टाइप कीजिए माई बिग गाइड, तो सबसे ऊपर mybigguide.com का रिजल्ट मिल जाएगा। लर्निंग जोन दिया गया है,
इसके अलावा इंटरनेट, यूट्यूब और प्रिंटिंग के टिप्स और ट्रिक्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर नोट्स दिए हैं जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। बस इस पर आप क्लिक कीजिएगा और कंप्यूटर नोट्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ये बिल्कुल सीरीज वाइज दिए गए हैं और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ नीचे दी गई है, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान क्विज। यहाँ पर हमने 50 से ज़्यादा ऑनलाइन क्विज दिए हैं जिनसे आप अपना कंप्यूटर ज्ञान परख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अनसुलझे प्रश्नों के आसान जवाब जो अक्सर करके आपके दिमाग में आते होंगे। हमने डार्क इंटरनेट के बारे में बताया है, ब्लू व्हेल गेम के बारे में बताया है, कॉल ड्रॉप क्या होता है ये भी हमने बताया है, इंटरनेट का मालिक कौन है ये भी बताया है, वाईफाई या लाईफाई क्या होता है। तो अगर इस तरीके का कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है तो आप यहाँ पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। आप देखें कि ये लिस्ट बहुत लंबी है, लगभग 132 चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये 132 आर्टिकल आपके बहुत काम आने वाले हैं।